हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ कि नींद का प्रॉब्लम जो लोगों को है उसके बारे में, और वो उसके लिए गोलियाँ खाते हैं उसके बारे में। कभी सारे लोगों को नींद नहीं आती। नींद मतलब एक बार बेड पे जाने के बाद में उनको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बिस्तर में रहना पड़ता है, और इधर से उधर वो करते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती। या कुछ लोगों को सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, कुछ लोगों को बीच बीच में नींद खुल जाती है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपन सोए नहीं। कुछ लोगों को बहुत सारे सपने आते रहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि भाई नींद होने के बाद में भी सवेरे फ्रेश नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नींद नहीं हुई। तो अनेक मानसिक बीमारियों में नींद सबसे पहले गायब हो जाती है, नींद का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है मानसिक बीमारी में। मगर बाकी कोई बीमारी नहीं रहने के बावजूद भी नींद का प्रॉब्लम लोगों को हो सकता है, और वही कि सिर्फ उनको नींद का ही प्रॉब्लम, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है। और जब लोग आते हैं तो बोलते हैं हाँ 2 साल से 3 साल से ये प्रॉब्लम है, और गोलियाँ खाते रहते हैं। सबसे कॉमन गोली जो खाते हैं लोग, वो है अल्प्राजोलाम की गोली, जो 0.25 मिलीग्राम की आती है। 0.25 मतलब 1 मिलीग्राम का चौथा हिस्सा। और लोगों का ऐसा रहता है यूजुअली हिस्ट्री की नींद नहीं आती करके कोई डॉक्टर के पास में जाते हैं, उनके वो फैमिली डॉक्टर के पास में, वो उनको दवा देते हैं, लिख के दवा से अच्छा लगता है, फिर दवाई का असर 5, 6, 8, 10, 15 दिन के बाद में कुछ कम हो जाता है, फिर वो 2 गोली खाते हैं एक के बदले, फिर 2 के बाद में फिर 4 गोली हो जाती है, फिर 0.25 के बदले 0.5 मिलीग्राम हो जाती है, 0.5 के बदले 1 मिलीग्राम हो जाती है। मेरे पास में जो लोग आते हैं वो 50-50, 60-60 गोलियाँ खाने वाले लोग हैं रोज़ की। एक तो उसे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, दूसरा बदन के ऊपर बहुत बुरा असर ये गोलियों का होता है। लीवर पे असर हो जाता है, पाचन संस्था के ऊपर असर होता है, ब्रेन के ऊपर असर हो जाता है, ब्रेन नम हो जाता है, सुन हो जाता है, उतना अलर्टनेस नहीं रहता उनका, उतनी एनर्जेटिक नहीं रहता व्यक्ति, वो मेमोरी का प्रॉब्लम उससे आ जाता है, और कभी सारी प्रॉब्लम्स उससे हो सकती है ये गोलियाँ खाने से। तो गोली खाना अच्छा तो नहीं है, मगर लोग छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि गोली नहीं खाई तो रोज का उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। जब आते हैं तो अभी मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, पिछले 4 साल से गोली खा रहा था और 50 गोली खाते रहता है अल्प्राजोलाम की। कुछ लोग बाकी बेंजोडाइजेपिन्स जो है मतलब क्लोराडाइजीपॉक्साइड खाते हैं, उसकी लत रहती है। कुछ लोगों को डाइजीपाम की रहती है, कुछ लोगों को क्लोनेजेपाम की रहती है, कुछ लोगों को जोलपीडेम की रहती है। मतलब अलग अलग वो लोग गोलियाँ अलग अलग प्रकार की खाते रहते हैं। उससे लोग बोलते हैं हमको छुटकारा होना और नहीं भी होना, मतलब अच्छा भी लगता है। फिर कभी ऐसा हो जाता है कि रात को गोली खाने से नींद आती है, फिर कभी कभी उनको लगता है कि सुबह भी उठने के बाद में उनको जो बेचैनी होती है या रेस्टलेसनेस होता है, तो सवेरे भी गोली खाना, तो फिर सवेरे दोपहर शाम ऐसी गोली खाते हैं और उसके सिवा उनका चलता नहीं है। मानसिक बीमारी में नींद नहीं आती, तो फिर मानसिक बीमारी ठीक होने से नींद ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और वैसे भी मानसिक बीमारियों के लिए जो गोलियाँ देते हैं, जो दवाएँ देते हैं, उससे नींद भी आ जाती है। मगर मानसिक बीमारी नहीं है और नींद का प्रॉब्लम है, तो गोली छोड़ने के लिए फिर 2 तरह का इलाज है। एक तो धीरे 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 वो गोलियाँ कम करो, और वो घर में होता नहीं है, इसलिए हम बोलते नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हमारे ऑब्जर्वेशन में रहो, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करेंगे और दवाई बंद कर डालेंगे। या फिर दूसरा है कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट, मतलब एकदम से पूरी दवाई बंद कर डालो और फिर उसके भी लिए हॉस्पिटलाइज करो, भर्ती करो दवाखाने में, और फिर उसमें उसको प्लेसिबो दो, पी कॉम्प्लेक्स की दवाई दो, या फिर और कोई ऐसी दवा दोगी जिसके जिससे मतलब उसका उसको जो एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, वो कम हो जाएंगी, और वो भी दवाई धीरे 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 कम करनी है, मात्रा कम करनी है। तो इस तरह का उसका इलाज होता है। काफ़ी सारे लोगों को हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई आप ऐसा करो कि भाई जो नींद की दवाई जो आप खाते हैं 5, 10, 15, 20 गोलियाँ, तो उसके बदले भाई गोली खाना ही नहीं देखो, कोशिश करके खाओ ही मत, देखो क्या होता है। बोले पॉसिबल ही नहीं, रात भर जगे रहेंगे। तो वो दवाई लोग खाते रहते हैं, वो ऐसे कोई पेशेंट नहीं है, मगर उसका असर बदन के ऊपर, दिमाग के ऊपर होते रहता है। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको इसकी ज़रूरत होगी कि भाई ये वीडियो आप देखेंगे और दवाई बंद कर डालेंगे, क्योंकि मालूम नहीं कि इसका कितना बुरा असर होता है। तो आप ज़रूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक करो उसको, और वैसी घंटी आती है तो उसको प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा।
यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, जिनको ये नींद का प्रॉब्लम होगा उन्हें जरूर ये करना चाहिए। मैं अभी इसके बाद में और एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो में मैं बताऊँगा कि अच्छी नींद, गहरी नींद कैसे सोना चाहिए, मतलब कैसे ले सकते हो, तो जरूर वीडियो देंगे, उसकी लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।